हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, ये टूर्नामेंट का चौथा पार्ट है जिसमें मैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में आज बताऊंगी। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट वन में टूर्नामेंट के चारों प्रकारों की बेसिक जानकारी दी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एंड पार्ट टू में नॉकआउट टूर्नामेंट के सभी पार्ट्स के बारे में बताए हैं, एंड पार्ट थर्ड में लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। उन सब वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों, इसके पांचवे पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में चैलेंज टूर्नामेंट एंड इसके दोनों प्रकारों लैडर प्रकार एंड पिरामिड प्रकार के बारे में वीडियो होगा। एंड दोस्तों, इन पाँच पार्ट में आपके संपूर्ण टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा, आपको टूर्नामेंट की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। दोस्तों, जैसा कि कॉम्बिनेशन शब्द से ही लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिश्रण, यानी एक से अधिक चीजों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कहाँ प्रयोग होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का? जहां टीमों की संख्या अधिक होती है, और जब अधिक टीमें होती है तो पहले छोटे छोटे समूहों में टीमों को बांटा जाता है, फिर प्रत्येक समूह में उपस्थित टीमों के मध्य पहले नॉकआउट या पहले लीग या इन दोनों का मिश्रण का प्रयोग टूर्नामेंट में आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। कौन कौन से चार प्रकार का? पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है नॉक आउट कम लीग टूर्नामेंट, तीसरा है लीग कम लीग टूर्नामेंट, चौथा है लीग कम नॉक आउट टूर्नामेंट। ये चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि नॉक कम नॉक आउट, तो मैंने क्या बताया कि टीमों को पहले समूहों में बांटा जाता है, फिर उनके मध्य नाक या दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो नाक कम नॉकआउट है, तो जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है कि नाक कम नाक यानी कि पहले नॉकआउट किया जाएगा फिर नॉकआउट किया जाएगा। ठीक, पहले नॉकआउट किया जाएगा फिर उसमें जो विजेता होंगे उन विजेताओं के मध्य फिर नॉकआउट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो की घात की संख्या के समूहों में यानी पावर आर टू के टू में समूहों को बांटा जाता है, जैसे कि 4, 8, 16, 32। फिर प्रत्येक समूह में आने वाली टीमों के मध्य नॉकआउट कराया जाएगा, फिर प्रत्येक समूह के विजेता टीमों के मध्य पुनः नॉकआउट कराया जाएगा। दोस्तों, यह पूर्व निर्धारित होता है कि किस समूह के विजेता टीम किस समूह के विजेता के साथ खेलेंगी। इसका निर्धारण लॉटरी पद्धति के आधार पर होता है, जिसमें जो विजेता टीम होता है वह नंबर वन विजेता कहलाता है। दूसरा है दोस्तों, जैसा कि इसमें 32 टीमों का फिक्सर नाक कम नाक विधि से बनाना है, तो समूहों का नाम रखा जाएगा, ए समूह, बी समूह, ए समूह का नाम है, और सभी समूहों में चार चार टीमें बांट जाएंगी, उनके मध्य टूर्नामेंट होगा और उनमें एक एक विजयी होंगे, और उन विजयी टीमों के मध्य पुनः टूर्नामेंट नॉकआउट होगा। इसी तरह अन्य विधियों में भी होगा, जैसे नॉक कम लीग दूसरा है, तो नाम से ही स्पष्ट है नॉक कम लीग आउट, ये नॉक आउट कम लीग टूर्नामेंट। तो पहले समूहों में बांटा जाएगा, फिर नॉक आउट टूर्नामेंट होगा, फिर उसमें जो विजयी होगा उनके मध्य लीग टूर्नामेंट होगा, यानी कि पहले टीमों को समूह में बांटा जाएगा, वो पावर ऑफ टू में होना चाहिए, फिर प्रत्येक समूह में उपस्थित टीमों के मध्य नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित होगा,
फिर सभी समूहों की विजेता टीमों के मध्य लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार अन्य सभी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि तीसरा है लीग कम लीग टूर्नामेंट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले लीग टूर्नामेंट होगा, उसमें जो विजेता होंगे फिर लीग टूर्नामेंट होगा। तो यानी कि टीमों को पहले समूहों में बांटा जाएगा, यानी समूह में बांटते समय वो पावर ऑफ टू में होने चाहिए, जैसे 8, 16, 32 इस प्रकार से। फिर समूह की टीमों के मध्य लीग टूर्नामेंट आयोजित होगा, फिर उसमें उन समूहों में जो विजेता टीम होंगी उनके मध्य फिर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार चौथा है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी पहले लीग टूर्नामेंट आयोजित होगा, फिर उसमें जो विजयी होगा फिर उसके मध्य उन विजयी टीमों के मध्य नॉकआउट होगा। यानी पहले टीमों को समूहों में बांटा जाता है, फिर ये पावर ऑफ टू में होना चाहिए, फिर प्रत्येक समूह में उपस्थित टीमों के मध्य लीग टूर्नामेंट आयोजित होगा, फिर प्रत्येक समूह के नंबर वन टीम यानी विजयी टीमों के मध्य फिर नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित होगा। और इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड कप फुटबॉल यानी कि फीफा विश्व कप जो होता है वो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट के द्वारा ही होता है। यानी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप में किस टूर्नामेंट का प्रयोग किया जाता है, तो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट फीफा विश्व कप में यूज किया जाता है, जिसमें 32 टीमें इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये आपके ध्यान देने लायक वाक्य है। तो दोस्तों ये था आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जैसे कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूछता है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं, या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, या इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का पार्ट नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यानी इसका पार्ट 5 चैलेंज टूर्नामेंट होगा, जिसके अंतर्गत लैडर प्रकार एंड पिरामिड प्रकार दो टाइप्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपका टूर्नामेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरे टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं, चाहे डोपिंग हो, चाहे चोटें हों, इंजरी हो एंड डिजीज हो, उन सब के बारे में वीडियो होंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए एंड अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, और अपने सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।